इस सिलसिले में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ था। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। पौड़ी टेढ़ी गढ़वाल सीट पर भी वोटिंग खत्म हो गई है। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं जहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड में बताते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी जो शाम 5 बजे तक चली और इसके बाद अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार में वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं पौड़ी टेढ़ी गढ़वाल सीट पर भी लोकसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। और ये खबर उत्तराखंड से आ रही है जहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का आज वोटिंग होनी थी जो की अब समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी जो शाम 5 बजे तक चली थी। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, ये बड़ी खबर आ रही है सामने। पौड़ी टेढ़ी गढ़वाल सीट पर भी उत्तराखंड के वोटिंग खत्म हो गई है। पहले चरण के तहत उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के मतदान हुए हैं और इसी सिलसिले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी। सर, पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, क्या लगता है आपको, लोगों में कैसा उत्साह रहा पहले चरण के मतदान के लिए? बिल्कुल, देखिए शालिनी, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से जो है आज उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के लिए जो है मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था। उसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग ने भी जो है यहाँ पे जनसभा जागरूकता रैली निकाली, लोगों को जो है प्रेरित किया मतदान के लिए। और लगातार जिस तरीके से बात करें जो टारगेट रखा हुआ था वो 75% मतदान का रखा गया था। हालांकि यहाँ पर जो है देखने वाली जो बात आई है वो सामने अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो जो है अभी 53.56 जो है प्रतिशत यहाँ पे मतदान हुआ, जो पिछली जो जो लोकसभा की जो चुनाव हुए थे 2019 में उसके बनिस्पत यहाँ पे 5% की जो है कमी देखी गई है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है आप देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये जो मतदान का प्रतिशत रहा वो किस तरीके से कम रहा है, ये सोचने वाली बात जरूर होगी। परंतु आज अगर बात करें तो यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने जो है 55 प्रत्याशी है उनके भाग्य का जो पिटारा है वो ईवीएम में कैद करा दिया है। जी सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि 5% वोटिंग कम हुई है, क्या लगता है आपको अगले चरण के लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है लोगों को कि वो मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान करें? ठीक है, इस बात को लेके निर्वाचन आयोग जरूर एक बैठक जरूर करेगा। निर्वाचन आयोग का कहना था कि ये जो मतदान कम हुआ है हालांकि बढ़ाने के लिए लगातार जो है निर्वाचन आयोग की कोशिशें रही हैं। यहाँ पे रैलियां भी निकाली गई हैं, जागरूकता रैली भी निकाली गई है और जो नए वोटर थे खास करके युवाओं को प्रेरित किया गया था, घर घर जाके जो है उनको मतदान के लिए किया था, सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे और खास करके मेरा वोट मेरा अधिकार करके जो है सेल्फी खींच के जो है उनको बाकायदा सोशल मीडिया पे डालने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया गया था इन तमाम चीजों को लेके। परंतु आज जिस तरीके से मतदान कम हुआ है वो जरूर एक सोचने वाली बात जरूर होगी। सर, क्या लगता है आपको युवाओं ने किस मुद्दे पर वोट डाला होगा, महिलाओं ने किस मुद्दे पर वोट डाला होगा, दिव्यांगों ने किस मुद्दे पर वोट डाला होगा आज इस लोकतंत्र के त्योहार के दिन? देखिए शालिनी, यहाँ पे हमारी लगातार जो है यहाँ पे लोगों से बातचीत जरूर हुई, हालांकि उन्होंने अपने मत का प्रयोग जो किया है उनका कहना था कि खास करके अगर बुजुर्ग महिलाओं की बात करें, बड़े लोगों की बात करें, उनका कहना था कि देश के विकास के लिए जो है वो अपना मतदान कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे राज्य जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है, नए नए कानून जो है यहाँ पे लागू हो रहे हैं, चाहे यूसीसी की बात करें, यहाँ पे जो है नकल विरोधी कानून की बात करें, बेरोजगारी की जो है कम करने की बात करें, तमाम चीजों को लेके। वहीं यहाँ पे जो है अगर खास करके युवाओं की बात करें उनका कहना था कि जिस तरीके से स्वरोजगार की यहाँ पे बात की है, मोदी जी ने गारंटी दी, तमाम चीजों को लेके जो है यहाँ पे चर्चा जरूर रही है और मतदान भी हुआ है। परंतु अब तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून का जो रिजल्ट आएगा वो राष्ट्रीय किसके भाग्य में होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी सर, क्या लगता है आपको जनता का मन क्या होगा, किसकी तरफ रुझान होगा, किसको लाना चाहती है जनता उत्तराखंड में? देखिए यहाँ पर अगर शालिनी बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके के मतदान हुआ है कहीं ना कहीं जो है देखा जाए युवाओं की बात करें, युवाओं का जो है यहाँ पर एक बार जो कहीं जो है युवाओं का कहना था कि जिस तरीके से रोजगार चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, जब वो अग्निवीर योजनाओं की बात हो या किसी भी बात की हो, वही दूसरी ओर खास करके महिलाओं की बात करें उनका कहना था कि महिलाएं जो है जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई की बात की और आम जनमानस के बीच में जो है जिस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही थी यहाँ पर जो है महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, कई मुद्दों को मिला जुला असर यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा था। हालांकि अभी जो है खुलकर कोई बोलने को सामने नहीं था कि किस मुद्दे पे दे रहा है, किसको देने जा रहा है, हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा किसी ने नहीं किया। जी सर, तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए सर धन्यवाद।
और ये हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी और अपडेट्स उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के बारे में दी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आज पहले चरण के तहत लोकसभा चुनावों की उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। उत्तराखंड में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी जो शाम 5 बजे तक चली। उत्तराखंड की 5ों लोकसभा सीटों पर अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है। 7 बजे हम आपको बता रहे हैं वोटिंग शुरू हो चुकी थी। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर जुट गए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगे थे। उत्तराखंड की नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार सभी जगह वोटिंग खत्म हो गई है। पौड़ी और टीडी गढ़वाल सीट पर भी उत्तराखंड की वोटिंग समाप्त हो चुकी है।